हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ या स्वास्थ्य के अवयव। अभी लास्ट मेरी क्लास में आपने हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड पॉजिटिव हेल्थ को पढ़ा था, इसी को मैंने आपको डिटेल में थोड़ा सा शेयर किया था। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो कंपोनेंट ऑफ हेल्थ पर है, यानी स्वास्थ्य के क्या अवयव होते हैं। यूँ तो स्वास्थ्य के बहुत सारे अवयव होते हैं, लेकिन डब्ल्यू एच ओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी कुछ मेन कंपोनेंट बताए हैं। मेन इन्होंने थ्री जो है कंपोनेंट्स डब्ल्यू एच ओ ने बताए हैं, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल मेंटल और सोशल और इमोशनल। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी इन्होंने साथ में बताया है, जैसे स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आज हमारा हम मेनली जो फोकस हमारा चलेगा कि कंपोनेंट क्या कौन कौन से हैं और मेन जो कंपोनेंट है जो कि हमारे हेल्थ को मेनली इन्फ्लुएंस करते हैं, उसी के ऊपर हम लोगों का ज़्यादा फोकस रहेगा। जब हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य से अभिप्राय है कि जैसे जो स्वस्थ शरीर होता है और उसमें ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए स्वास्थ्य एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यानी हेल्थ मीन्स ए पर्सन हैविंग ए साउंड बॉडी इन ए साउंड माइंड इन ए साउंड फैमिली एंड इन ए साउंड एनवायरनमेंट। इस तरह से एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यानी व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा होगा वैसे ही उसका मन होगा, वैसे ही उसका परिवार का वातावरण होगा और वैसे ही उसके चारों तरफ का, उसके सराउंडिंग का वातावरण होगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को निरोगी होना आवश्यक है। निरोग का अभिप्राय सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से भी उसे स्वस्थ, प्रसन्नचित, निरोगी और किसी भी कार्य को वो जितना कुशलतापूर्वक करेगा उसमें उतनी ही स्फूर्ति रहेगी। तो इसलिए व्यक्ति को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी कहा है, स्वस्थ शरीर या मन की वह अवस्था है जिसमें कार्य अधिक कुशलतापूर्वक एवं सर्वोत्तम प्रकार से हो सके, वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। तो अभी हम अगेन हमारा जो है मेन उस पर मेनली जो हम जिन कंपोनेंट्स पे, जिन अवयवों पे स्वास्थ्य के पे हमारा फोकस रहेगा उसमें है फिजिकल, नेक्स्ट है सोशल, एनवायरमेंटल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ना। तो ये हमारे सिक्स कंपोनेंट हैं जो कि पूरे स्वास्थ्य को बनाने में या स्वास्थ्य के निर्माण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फर्स्ट हमारा है फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ रेफर्स टू द वे दैट योर बॉडी फंक्शंस। यानी शारीरिक स्वास्थ्य क्या है कि आपकी जो शरीर है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है। दिस इंक्लूड्स ईटिंग राइट, गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज एंड बीइंग एट योर रिकमेंडेड बॉडी वेट। यानी फिजिकल हेल्थ का मतलब है कि आपका शरीर किस प्रकार से कार्य कर रहा है। इसके तहत यानी हमें सही मात्रा में जो हमारी बॉडी की नीड है, जो हमारी एज, वर्क के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें राइट प्रोपोर्शन में खाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और जो भी हमारा बॉडी का वेट है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, वही व्यक्ति जो है स्वस्थ कहलाता है। यानी इसमें सिर्फ जो है ये माना जाता है यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है या शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है तो उसमें उत्साह, कार्यकुशलता और किसी भी काम को करने में कठिनाई महसूस होती है। इसके अलावा उसमें जैसे चक्कर आना, नींद ना आना, जी मिचलाना, खिंता और क्रोधित होना, उदासी, चिड़चिड़ापन, निराशा आदि रहती है और उस व्यक्ति का कहीं भी कार्य नहीं लगता है। तो इसलिए स्वस्थ होना
बहुत ज़रूरी होता है। यदि स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके अंदर जैसे शारीरिक रूप से यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसमें कुछ लक्षण दिखाई देंगे, कुछ चीज़ें हमेशा दिखाई देंगी कि उसकी जो त्वचा होती है वो कांति में होती है, चमकदार होती है, झुर्रियाँ नहीं होती हैं और किसी भी शरीर में किसी भी तरह का दोष नहीं होता किसी तरह की, जैसे नाक कान आँखों में किसी भी तरह का दोष नहीं होता, आपस में अच्छा उनमें समन्वय होता है। हेयर्स जो होते हैं बिल्कुल अच्छे चमकदार होते हैं और पाचन तंत्र ठीक तरह से कार्य करता है। शरीर के सभी जैसे श्वसन अंग, परिवहन अंग, मांसपेशियां, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ठीक प्रकार से कार्य करते हैं और शरीर के जो है पूरी तरह से रोग मुक्त होता है। शरीर में जो है उसको जितना बॉडी को विश्राम चाहिए वो व्यक्ति यदि उतना विश्राम कर रहा है तो उसकी एज सेक्स के अनुसार उसकी पल्स रेट, हार्ट रेट और श्वसन रेट जो होती है वो नॉर्मल चलती है। इसके साथ ही उसका बॉडी का हाइट वेट भी नॉर्मल बढ़ता रहता है जैसे जैसे उसकी एज के अकॉर्डिंगली उसका बॉडी वेट होता है और कोई भी तरह का जो कार्य होता है वो आराम से वो कर लेता है। नेक्स्ट इज सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य। सोशल हेल्थ इज़ द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड्स। सोशल या सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है? सामाजिक स्वास्थ्य क्योंकि फैमिली, टीचर्स एंड अदर्स यू, यानी समाज, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में अकेला नहीं रह सकता, इसलिए उसको अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज पर निर्भर रहना होता है और व्यक्ति के निर्माण में और परिवार तथा समाज का व्यक्ति का कैसा निर्माण होगा वैसा परिवार का निर्माण होगा और परिवार यदि अच्छा का निर्माण होगा तो समाज भी अच्छा होगा। लेकिन यदि व्यक्ति बीमार है, चिड़चिड़ा है, निराश है तो समाज भी क्या होगा, परिवार में भी सब लोग चिड़चिड़े, निराशाजनक उनकी आदतें होंगी और समाज भी इसी तरह का होगा। तो इसलिए सामाजिक रूप से जो है हमारा कितना, हम हमारे लोगों के साथ में, हमारे फ्रेंड्स के साथ में, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ में कितने हमारे हेल्दी रिलेशंस हैं वो सारा का सारा हमारी सोशल हेल्थ को बनाता है। क्योंकि यदि एक अच्छा नागरिक बनेगा तो एक राष्ट्र का जो होगा उसका भी अच्छा विकास होगा और जब स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा तो बालक के स्वास्थ्य, शिक्षा, दीक्षा और चरित्र निर्माण पर भी वो बहुत ज़्यादा फोकस करेगा। और क्योंकि कोई भी बालक जो होता है वो एक संपूर्ण राष्ट्र की संपत्ति होता है, ये हिलाना मत ना, संपूर्ण राष्ट्र की संपत्ति होता है और क्योंकि बालक या शिशु जो होता है राष्ट्र के कर्णधार होते हैं इसलिए उसका सामाजिक विकास ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि वो एक परिवार का नहीं, क्योंकि वो राष्ट्र और राष्ट्र की उन्नति में, मजबूती में उसका जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब है किस तरह से समाज में जो है सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ हम और भी किस तरह से दे सकते हैं। समाज में रहते हुए व्यक्ति में संतोष, तृप्ति और दीर्घकालीन मित्र बनाने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के सामाजिक, पारिवारिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करने एवं सफलतापूर्वक निर्वहन करने की रुचि होनी चाहिए। यदि व्यक्ति समाज में रहते हुए आनंदित, सुखचैन, उल्लासपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है स्वस्थ व्यक्ति। दूसरा, व्यक्ति दूसरों के साथ में अच्छा समायोजन करता है समाज में रहकर। नेक्स्ट है व्यक्ति में समाज के सभी सदस्यों के साथ मित्रतापूर्वक, शिष्टतापूर्वक मधुर व्यवहार करने की स्वाभाविक योग्यता भी होती है यदि स्वस्थ व्यक्ति है तो। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट हेल्थ। एनवायरनमेंट हेल्थ इज कीपिंग योर एयर, वाटर क्लीन, योर फूड सेफ एंड लैंड अराउंड यू। यानी जब हम सारे स्वास्थ्य की जब हम सारी बातें कर रहे हैं तो उसी में हमारा जो है एक वातावरण जो होता है, हमारा जो जिस वातावरण में या जहाँ हम रहते हैं उसका वातावरण भी जो है वो भी किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को, यानी वहाँ पे आसपास में किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए
वो हेल्दी होने चाहिए, जो भी उनको एयर मिल रही है वो पॉल्यूटेड नहीं होनी चाहिए, वाटर क्लीन होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की जो है अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से जो भी हम भोजन ले रहे हैं उसमें भी किसी तरह के कोई भी, जैसे आजकल जो होते हैं हम कह रहे हैं ऑर्गेनिक सब्जियां खा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक सब्जियां या जो दूसरी सब्जियां जिनमें अधिक पेस्टिसाइड मिले हुए हैं या जो गंदे पानी की सब्जियां हैं, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य को बनाती हैं। और हमारा आसपास का वातावरण कैसा है, कितना स्वच्छ है, वो भी किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाने में हेल्पफुल होता है। इमोशनल हेल्थ इज़ एक्सप्रेसिंग योर इमोशन इन पॉजिटिव वे, यानी इमोशन या संवेगात्मक स्वास्थ्य भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी व्यक्ति को। यानी हमें संवेग क्या होते हैं, वो एक भाव होती है, वो अवस्था होती है अपने आप को अभिव्यक्त करने की, और संवेगों के द्वारा वो व्यक्ति अपने आप को दूसरों के साथ में इंटरेक्ट करता है। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति का एक माध्यम जो होता है वो संवेग होते हैं, और संवेगों के द्वारा वो सुख दुख खुशी दया करुणा प्रेम स्नेह दया दयालुता आदि भावों को जो है अभिव्यक्त करना सीखता है। और यदि किसी भी कारण से उसके भाव या इमोशंस का एक्सप्रेशन नहीं हो पाता तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, कुंठा का भाव आ जाता है, और कई बार इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए उसके अंदर जो पेंट अप एनर्जी होती है इमोशनल कैथारसिस की स्थिति भी डेवलप हो जाती है। तो इसके लिए इमोशंस को आउटलेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितने ज़्यादा इमोशंस का आउटलेट होगा व्यक्ति उतना ही स्वस्थ होगा। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक हेल्थ इज मेंटेनिंग हारमोनियस रिलेशनशिप विथ अदर लिविंग थिंग्स एंड हैविंग स्पिरिचुअल डायरेक्शन एंड पर्पस। यानी स्पिरिचुअल हेल्थ यानी आध्यात्मिक स्वास्थ्य वो होता है जिसमें हम हमारे चारों तरफ के वातावरण के साथ में और जो लिविंग और नॉन लिविंग जो व्यक्ति हैं उनके साथ में जो है अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए एक दिशा देने के लिए भी जो है इम्पॉर्टेंट होती है। आध्यात्म का स्वरूप पूर्णतः मनोवैज्ञानिक होता है। यह शरीर विज्ञान से परे कुछ अस्पष्ट अव्यक्त अप्रकट और अस्पर्शनीय होता है, लेकिन इसे केवल समझा जाता है। सभी प्रकार के जो हम धार्मिक कार्य करते हैं उससे आत्मा को शुद्धि और शांति मिलती है, और ये माना जाता है कि कोई भी एक सुपर नेचुरल पावर है, और उस नेचुरल पावर से कोई भी व्यक्ति किसी तरह का कार्य करता है। और आज के इस वर्तमान जो वैश्विक दौर है, वैश्विक बीमारी का जो दौर है, इस दौर में स्पिरिचुअल हेल्थ की जो है बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। हालांकि विज्ञान का भी विज्ञान की के आगे सब चीज़ें वो हैं गौण हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं कई तरह के आध्यात्मिक और मन आत्मा और शरीर को एक पॉजिटिव रिलेशंस मेंटे हुए अलग अलग तरह के क्रियाकलाप करते हैं, और जैसे योग व्यायाम धार्मिक अनुष्ठान वेद मंत्र और इस तरह से उनको लगता है इनसे हम अधिक से जटिल रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। तो इसका भी जो है स्पिरिचुअलिटी जो है किसी भी इंसान को जो है बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है, क्योंकि इसका संबंध शुद्ध आत्मा और मन से होता है, और ये व्यक्ति को अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल या मेंटल हेल्थ, यानी बौद्धिक या मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य का एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव होता है। जब किसी व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होगा निश्चित ही वह व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में आपस में कोरिलेशन होता है। WHO ने बताया है कि स्वास्थ्य मात्र बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि व्यक्ति को शारीरिक मानसिक सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहना है। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य को हम दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। परंतु फिर भी मानसिक स्वास्थ्य को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसको हमें समझना आवश्यक है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा वो शांत संतोष प्रसन्न हमेशा आनंदित रहने वाला, और उसके अंदर किसी भी तरह का द्वंद्व और संघर्ष नहीं होगा, और अंदर और बाहर से वो एक तरह का ही रहता है, और वो अपनी योग्यता
न तो वह अपनी योग्यता से ज़्यादा और न अपनी योग्यता से कम की कामना करता है। एक और जो चीज़ है, मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उसमें सेल्फ कंट्रोल होगा और वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बुद्धिमत्ता पूर्वक किसी भी कार्य को कर लेते हैं और उनमें भय, तनाव, ईर्ष्या, चिंता इत्यादि नहीं होते हैं और वे व्यक्ति संवेगों के गुलाम नहीं होते बल्कि संवेगों को अपने अकॉर्डिंग अपने अनुसार कंट्रोल रखते हैं। नेक्स्ट एक और जो चीज़ है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा समायोजन कर लेता है। वह व्यक्ति ज़्यादा सामाजिक भी होंगे, दूसरों की सहायता सहयोग करके आगे बढ़ते हैं, उनका आलोचना पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं रहता है और ऐसे व्यक्ति अच्छे मित्र होते हैं तथा सभी के साथ में शिष्टाचार पूर्वक कार्य करते हैं। एक और जो चीज़ है, मेंटली जो व्यक्ति स्वस्थ होंगे वो बदलते हुए वातावरण के साथ में अपने आप को अच्छे से समायोजित कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन सी वस्तु या कौन सा टाइम जो है गलत है और कौन सी दिशा सही है और वो आत्मनियंत्रण भी नहीं खोते हैं। और दूसरों को मेंटली जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो दूसरों को परेशान भी नहीं करते हैं, वो किस प्रकार इंटीग्रेटेड होकर सुव्यवस्थित होकर बैलेंस तरीके से कैसे काम कर सकते हैं ये भी उनको आता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इससे अलावा एक और जो चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसी मेरी क्लास में शेयर कर लूँ कि जो टोटल हमारी हेल्थ है उसको बहुत सारे कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं क्योंकि बिना जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे व्यक्तिगत कारक, वातावरण का कारक, सामाजिक आर्थिक स्तर, रहन सहन का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं और व्यक्तिगत कारक, ये सारे के सारे जो होते हैं जो व्यक्ति के जो व्यक्ति विशेष की शारीरिक संरचना, वातावरण वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है और जहाँ वो कार्य करता है वो सारे के सारे उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो इसी के साथ में इसको हम नेक्स्ट मेरे क्लास में शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।